ये ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ। अच्छा यहाँ तो आए थे पहले हम एक बार। ये कौन सा रोड है सलमान भाई? बाइक वाला रोड, बाइक वाला रोड। तो आज हम इस रोड से नहीं आएंगे क्योंकि हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 1 मार्च और मेरी राइड का है 13वां दिन। बेसिकली आज मुझे निकलना था बट नहीं निकल पाया क्योंकि मैं अभी बड़े भाई से नहीं मिला। जो मेरे बड़े भाई हैं वो कौन है अभी पता चल जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, तो मैंने कहा फिर आएंगे भाई। आज का जो व्लॉग है सारा भाई के साथ होगा, देखना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ का काम निपटाता हूँ अपना लोकल का, तो उसके बाद भाई से मिलवाता हूँ। तो मुझे यहीं तक जाना है दोस्तों, बस आगे थोड़ा सा काम है वो काम निपटा देता हूँ। तो दोस्तों लेफ्ट में है मुंबई का जू, इसका नाम है रानी बाग। ये है सलमान भाई, ये रहा। तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे पेंगुइन है हमारे पास बस, मतलब पेंगुइन मतलब अभी कहीं नहीं है ना इंडिया में, सिर्फ एक बार ही है ना पेंगुइन। अच्छा और बाकी? और भी अभी देखो लायन नहीं है, टाइगर नहीं है। अच्छा दोस्तों ये चर्च है, ये ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ। अच्छा यहाँ तो आए थे पहले हम एक बार। ये कौन सा रोड है सलमान भाई? बाइक वाला रोड, बाइक अल्लाह रोड। तो आते हुए हम इस रूट से नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरा हमने देखा है पूरा जाम है भाई, आगे कुछ हुआ है पूरा ट्रैफिक जाम है। तो ये रूट जाम नहीं आने वाले, हम दूसरे से आएंगे। हेलो हेलो हेलो, लेफ्ट है रेड लाइट से। हेलो हेलो, हाँ रेड लाइट से लेफ्ट लिया। कहाँ हो यार, इतना टाइम नहीं है। आजो तो दोस्तों मेरा काम हो चुका है और अब जा रहा हूँ मैं जूहू वर्सोहा लिंक रोड। और सूरज भाई भी आ गए हैं, क्यों सूरज भाई? तो सूरज भाई आ गए और भाई वहाँ पे बनाना लीव रेस्टोरेंट में है, तो बढ़िया लगेगा आपको मिलके। और मैंने अभी तक उनका जिक्र नहीं किया था इस पूरे राइड पे, तो कल ही बताया था। तो भाई हैं कौन, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं जूहू वर्सोहा लिंक रोड पे और भाई ने जो लोकेशन भेजे थे वो यही है, कोई बनाना लीव रेस्टोरेंट है। मैप तो दिखा रहा है, आ चुके हैं, लोकेशन पे तो हैं हम पूरा ना, पीछे पीछे। चलो चलो करो 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 यार, बताओ मुझे इतना बड़ा बोर्ड ही नहीं दिखा। अंदर कह रहे अंदर ले आओ बाइक। तो भाई से पूछ लेता हूँ कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ पे है? मैं भारी हूँ, मैं अंदर हूँ, टेबल ले लिया मैंने, आ जाओ। ठीक है आ रहा हूँ।
तो दोस्तों खाना वाना हो गया वहाँ, मैंने वीडियो इसलिए बंद की थी क्योंकि होटल के अंदर भाई इतने टाइम बाद मिला था भाई से, तो भाई कैमरा रखो। अब आए हम लोग बीच पे, ये देखिए ये है वर्सोवा बीच, और भाई आ गए। अब मिलवाता हूँ भाई से कि कौन है भाई, हो जानते होंगे भाई आप लोग। ये है भाई साजिद के नाम से फेमस, साजिद। तो आपने देखी होगी द फैमिली मैन, जो वेब सीरीज़ है अमेजोन प्राइम की, तो इसमें मेन रोल है जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, फुल मेन मिलिटेंट जो है कश्मीरी मिलिटेंट, जो कश्मीरी है तो यही है भाई। तो पर मैं कश्मीरी नहीं हूँ। नहीं है, ये भाई हैं। अभी इनका काम चल रहा था, अभी हमारे साथ बहुत कुछ प्लान था बट इनकी एक शूटिंग थी, तो जो इसका 2 आ रहा है वो भी बहुत धमाल मचाने वाला है भाई, तो देखना जरूर है आप लोगों को। सीजन 2 जरूर देखें, सीजन 2 इस साल के एंड में जरूर आएगा वो। हाँ, तो आप सबको देखना है। और ये है अमेजोन प्राइम वीडियो, जो प्राइम वीडियो करके चल रहा है, बहुत बढ़िया सीरीज़ है भाई, हालत टाइट हो जाएगी देख के। मैंने पूछा भाई बता दो मुझे, तो बता दो भाई, मुझे ही बताने से मना कर दिया, नहीं प्राइम देखना। तो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो भाई, मज़ा आ जाएगा देख के वीडियो। तो दोस्तों निकलते हैं, अब काफ़ी टाइम ले लिया मैंने भाई का, और भाई का एक शूट भी है वहाँ, जान भी नहीं है, कोई टाइम नहीं लिया तुमने। अरे तो भाई और काम पे भी इतना टाइम है मेरे पास कि मेरा दिल करे तो सारा टाइम तुम्हें दे दूंगा। अरे भाई कोई नहीं, भाई है यार। तो मुझे भी निकलना है अब, मैं देखो या तो आज रात को दिल्ली निकल जाऊँगा या कल सुबह निकलूँगा। और भाई ने एक होटल बता दिया है पंजाबी दा, क्या प्रताप दा ढाबा, प्रताप दा ढाबा, तो ओशीवारा में, तो वहाँ पे खाना खाएंगे कि भाई ने कहा रुको तो वहीं खाना। तो वैसे मना कर रहे हैं कि रात को मत निकलो, सुबह ही सुबह निकलना, बाकी देखते हैं क्या करना है। शॉप का भी थोड़ा काम है और अभी 2 दिन का रास्ता है तो वो भी कवर करना है। चलिए फिर चलते हैं, चलिए मिलते हैं भाई यार हम लोग। तो दोस्तों भाई को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे इनका शूट है, हाँ कैमरा चालू है। चलो भाई ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जी भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और भाई से मिले भाई बहुत टाइम बाद, क्योंकि भाई को आए हुए यहाँ कम से कम 2 साल हो गए, तो अब यहीं पे वो रह रहे हैं। शूट वगैरह है उनका, चलता रहता है कभी कहीं, क्योंकि अभी पहले सीज़न 1 का शूट, अब सीज़न 2 का फैमिली दी फैमिली 1 का सीज़न 2 शूट हुआ है पूरा। तो ये तो अभी 2 साल के आसपास दिल्ली में, मतलब आए वहाँ एक बीच में आए भी थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी हम लोगों की। ये लाइन ऐसी है दोस्तों कि बिज़ी इतना रहते हैं मुलाकात नहीं हो पाती है, तो मैंने कहा भाई इतनी दूर आए और फिर भी ना मिले भाई से तो यार बेकार है ना। तो भाई से मिले, मज़ा आया, पुराने यादें ताज़े हुई, पुराने बहुत बातें हुई, फुल इन्जॉयमेंट। तो अब चलते हैं घर पे और वहाँ देखते हैं कि क्या है घर, बात करते हैं, पापा को भी फ़ोन करता हूँ, वो क्या कहते हैं कि अभी निकलना है क्या या सुबह सुबह निकले, डिस्कस कर लेते हैं पूरा। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि हर रेड पे ये सीन मिलेगा आपको कि भाई रेड लाइट है बट निकलेंगे बंदे, यार देखो सामने की रेड लाइट है, बंदा रुकेगा नहीं। ये मुझे अभी तक सब निकल गए, देखो चाहे वो बड़ी गाड़ियों कोई भी हो भाई, अभी तक मुझे कोई रेड लाइट ऐसी नहीं देखी जो कोई ना कोई ऐसा मिला हो कि भाई रुक जाए। तो भाई मैं समझ सकता हूँ भागा दौड़ वाली है पूरी यहाँ की ज़िंदगी, बट यार बाई चांस कोई गाड़ी आ जाए कुछ आ जाए तो सारी भाग दौड़ निकल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से थोड़ा यार, जैसे आप जल्दी में हो ना उधर से जो घिस के ग्रीन लाइट है वो भी और जल्दी में हो सकता है, तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखो। रेड लाइट रूल फॉलो करो यार, सारे ट्रैफिक रूल। आप सोचो अगर कोई बाहर का बंदा आ रहा है आपके यहाँ पे आता है तो उसकी गाड़ी खड़ी है, वो किसी टैक्सी में है या वो बस में है, वो देखता है कि भाई यहाँ के लोग कैसे रूल फॉलो करते हैं, तो कित क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर। थोड़ा सोचो दोस्तों इस बारे में, थोड़ा सा सोचो। तो ये रहा जोगेश्वरी के बिल्कुल स्टेशन के बराबर में हमारा होटल, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने होटल पे, अब सोते हैं क्योंकि कल सुबह में निकलना है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जब जा रहे हैं तो जाएंगे पहले जयपुर वाले रास्ते से, अब
तो भाई से मिलके बहुत मज़ा आया, पुरानी यादें ताज़ा हुई, मतलब फुल इन्जॉय करा भाई के साथ, फुल इन्जॉय। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये चीज़ कई लोग देख चुके हैं पहले, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं वो देख चुके हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट स्टोरी वगैरह सब कुछ डालते रहूँ हर एक राइड की। इस पूरी राइड का कुछ लोगों को पहले से पता था वो कौन थे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, और जो मैं आने वाली वीडियो होती है, जो कुछ भी हेल्पिंग होती है ना, वो पहले इंस्टाग्राम पे आती है उसके बाद यूट्यूब पे आती है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो NCR_motorcycles, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अब सोता हूँ, क्योंकि अब हमें सुबह ही सुबह निकलना है, ऐसे 5:30 बजे का हमने 5 बजे डिसाइड किया है, निकलते निकलते 6 ही बज जाएंगे, तो इससे अच्छा अभी सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, कल पूरे दिन हमें राइड करनी है बाइक, और देखते हैं कितने चलाएंगे। तो बस अब मिलते हैं सुबह, अब सोता हूँ बढ़िया करके, और अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना है ना आपको, समझ नहीं आ रहा यार, मतलब बात करने से पहले ये अगला पार्ट आ जाता है, पता ही नहीं यार, अबे दबा रहे हैं अभी, देख लो भाई देख लो, ये नहीं जाएगा अब, ये तो कह रहा है भाई वीडियो देखो, देख लो यहाँ पे, गुड नाइट।